गलत मित्रों को मार करके नहीं देता, अगर नहीं बिकेगा ना वो जो दूसरा जो गाछ है श्यामा गाछ, वो सारे रस को वही ले लेगा और जो मूल जो वृद्ध को उसे कुछ नहीं मिलेगा, मूल वृद्ध को अगर कुछ मिलेगा तो मूल वृद्ध खत्म हो जाएगा, नकली वृद्ध निकल कर आ जाएगा। महाप्रभु कहते हैं जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते 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 उसमें कुछ नकली वृद्ध होती है, लेकिन जिसको इसका पहचान नहीं वो क्या करता है, वो नकली मित्र को निकाल देता है, उसको उखार देती है। फिर तो जो मूल मित्र धीरे 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 बढ़ेगी, फिर तो भैया ये नकली मित्र क्या है, नकली मित्र क्या जो असली मित्र जैसे लगता है, तो उसको यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कद श्रवण कीर्तन आदि जल सचन प्रभावे उपासखा पुष्ट हरिया भगवान है। जिसमें भगवान की भक्ति करते हैं दूसरे दूसरे जो शाखा है वो बढ़ जाती है। कहा थे मूल भक्ति लति का बाड़ी के नापाड़ी अखान है, उसमें जो मूल वृक्ष है वो क्या होता है वो रुक जाती है और जो नकली वृक्ष क्या होता है वो निकल जाती है। देखो क्या क्या चीज है, देखो इस चीज को ध्यान देकर सुनो, जो सचमुच से भगवत प्रेम जीवन में पाना चाहते हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल ठाकुर जी की चरण की भक्ति ही हमें चाहिए और कोई चीज हमें जरूरत नहीं। जो निष्कपट रूप में वो चीज को पाना चाहते हैं वो कैसे वो चीज को कैसे निकाल देनी चाहिए, क्या क्या निकाल देनी चाहिए, इसको प्रभुपाद कह रहे हैं। ये चीज को कहते प्रभुपाद कौन है, प्रभुपाद कौन है कहते राधा रानी की नयन मणि मंजन, इन्हीं को ही हमारे जो धारा है ना ये प्रभुपाद की धारा है, इन्हीं को ही श्रीमद कृष्ण श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जब ये निकुंज मंदिर में राधा जी की सेवा में ये निविष्ट थे तो राधा रानी इनको आदेश देती है, जाओ देखो ये जीव कैसे मेरे को भूल करके ये संसार में कैसे ये मस्त हो रहे हैं, जाओ उनको उद्धार करके लाओ। इसलिए इन्होंने ही आ करके अभी जो थोड़ी बहुत हम भक्ति कर रहे हैं, गले में कटी है, तिलक है, माला है, भजन कर रहे हैं कि बाबा प्रभुपाद कर दूंगा, इसको पहले बहुत बड़े बड़े आचार्य आए, लेकिन अगर ये संत नहीं आते ना आप बड़ौद में पड़े रह जाते, और मेरा जो अब पूरा शहर है मेरा जो गाँव है ना अब सोच भी नहीं सकते, इतने किसी कोने में है जंगल के अंदर किसी गाँव के अंदर में, पर हम कभी भी आकर के यहाँ वृंदावन में इधर आकर के सब भक्तों को समाज में बैठने के कभी हम कथा सुन ही नहीं सकते, भक्ति कभी कह ही नहीं सकते। यही महापुरुष आकर के उन्होंने कृपा किया। प्रश्न है इसको पहले तो बड़े बड़े महापुरुष आए लेकिन इन्होंने कैसे कृपा की, विशेष कृपा क्यों की, बल्कि राधा जी के नयन मणि मंदिर, नयन मतलब होता है आ, मणि मतलब उसका अंदर पुतला है, आंखों का अंदर पुतला है, कहते राधा रानी के आंख पर पुतला है। तो राधा रानी कौन है, कितना करुणा कुरुमयी करुणा भरी के, राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी दयालु है राधा रानी, कहते कृपा कितना कृपा दृष्टि कर प्रभु जगत प्रति, कहते राधा जी की जो कृपा दृष्टि है ना, कृपा दृष्टि कितना मुनि द्रविंद राधे तब तुम्हारी कृपा कटाक्ष हमारी अधम प्रति होगा, बोले मेरा कृपा कटाक्ष किया है बोले त्रिलोक शोक हार, तीन लोगों का जो शोक है दुख को जो खत्म करने वाली राधा रानी माँ है, माँ कई बच्चों का दुख नहीं देख सकती है, इसलिए राधा रानी की जो कृपा ही ये प्रभुपाद है, तभी इतनी कृपा आप और हमारी करने की तभी कृपा हुई। अभी कैसे अभी वो कहाँ से आई, बोले गोलोक वृंदावन से राधा रानी की कृपा, वो चाहती है हम कैसे गोलोक वृंदावन चले अपना घर में वापस चल जाए, है अपना घर में
अगर तुम अपना घर में वापस जाना चाहते हो, ये काम तो करोगे तो सीधा चले आओ अपना घर में चले आओ। वो कह रहे वो क्या चीज है भक्ति करते समय ऐसे कौन सा चीज आकर भक्ति शुद्ध भक्ति करने नहीं दे रही चीज अच्छा कर देते। अगर इतना चीज में जीवन में पालन करेंगे तो सीधा ठाकुर जी के पास में हम सीधा चले जाएंगे। तो वो क्या क्या चीज है तो पहले तो असत संग को छोड़ो दुस्संग, क्योंकि जीवन में मैं तेरा संग है सबसे महत्वपूर्ण संग होता है। कहना जैसे करोगे संग वैसे मिल रहे, जैसे संग करोगे तो मिल रहे। अगर भक्तों को साथ में उठोगे बैठो इसलिए भगवान कपिल के भी यही चीज माँ को बोले बोले माँ अतः दुस्संग मुत्सृज्य सत्संगे बुद्धिमान। पहले माँ असत संग को छोड़ो, छोड़ करके सत्संग करो माँ है सत्संग कल्याण है। इसलिए संग की सबसे ज्यादा प्रभाव है। देखो आप लोग बड़ौत में रहते हुए सगर मंगला कंठी तिलक भजन कर रहे और जो व्यक्ति है साधारण व्यक्ति जिसका संग नहीं है हम लोग सोते हुए नहीं तो टीवी के सामने बैठे हुए चाह पी कर है दुनियादारी। लेकिन आपको भक्तों का संग मिला देखो इतने सवेरे में आगे की ठाकुर जी का हाथ दर्शन करें बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं मंदिर में। ये किसका फल है यदि ये संग का फल। हमारे गुरु जी की स्टोरी सुना रहे मैं जितने कथा सुनाता ना सब उसको याद कर और दूसरों को भी सुना रहे। फिर एक घोसले से एक बहेली आने दो तोते को पकड़ा एक ही घोसला से एक बहेली आने दो तोते पकड़े। एक तोता तो कैसे चला गया किसी दुष्ट को संग में डाकू गुंडा बदमाशियों ने कर दिया। लेकिन एक तोते को एक साधु को कर दिया। एक समय एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया उसको बड़े जोर से प्यास लग रहा था तो पानी ढूंढते ढूंढते पहुंचा जो डाकुओं के पास में जो तोता है उसके पास में पहुंचा। देखा वो प्यास लग रहा था पानी पीने के लिए गया था देखा एक तोता घर में सामने एक तोता है वो वहाँ पहुँचते ही वो तोता बढ़ना शुरू कर दिया बोले पकड़ो पकड़ो मारो मारो छीनो छीनो। राजा ने कहा भैया ये तोता क्या बोल रहा है पकड़ो पकड़ो मारो मारो छीनो छीनो। अगर ये तोता ऐसे होगा तो इसका मालिक कैसे भी होगा वो समझ गई गड़बड़ी मुझे क्योंकि वो घर में रहते ना झूठे बदमाशी वो यही काम करते मारो मारो पकड़ो पकड़ो छीनो छीनो यही करते हैं। वो सुना यही चीज को वही चीज सीख गया वो पानी क्या पिएगा वहाँ से भगे थोड़ी दूर जाकर देखा और एक तोता घर को सामने वो पहुँच गई बोले राम राम राधे राधे हरे कृष्ण आपको स्वागत है आइए कृपा करके पधारिए ठंडा पानी पीजिए। तो भैया एक तोता इतना सुनकर कैसे मीठी मीठी बोली बोल रहा है उसको तो बात सुनकर आधा प्यास खत्म हो गया हम तोता इतनी मीठी मीठी बोली बोलता है। जब सचमुच से वहाँ पर गए देखा एक संत को निकल कर है और तोता का इतना अच्छा व्यवहार उससे कई गुना अच्छा व्यवहार वो संत को था बड़े प्यार से बुलाए बैठाए पानी पिलाया बड़ी सुंदर भगवान की कथा सुनाया है जिसको सुनकर उसका दिल एकदम ठंडा हो गया। इसलिए इतने में जब उन्होंने पूछा भैया तुम दोनों तो एक घोसले से दोनों आए हो लेकिन तुम्हारे स्वभाव कैसे कैसे हो तो इसमें हमारी कोई दोष नहीं हमारे संग का दोष। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब भक्ति करना तो फिर किसी को उल्टा पलटा चीज जा जाए असत संग कभी मिल जाए असत संग मिल गया तो बस तुम गए सारे काम से गए। इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे अगर तुम गोलोक वृंदावन आना चाहते हो क्या करो संत के संग ला दिए तेरी इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे लभ मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि। अगर जीवन में एक लाभ अगर साधु संग हो गया हमें सब कुछ जीवन में प्राप्ति हो जाएगी। पहला नंबर क्या है अर्थात दुस्संग परित्याग ना करिया अपराध सहित अनुष्ठान करते करते जीवगण उसको तरह क्या होगा असत संग से है। पहला नंबर है
भोग परायण हो जाएगा, अगर कोई असत संग में मिल जाएगा, अरे क्या जरूरत है, सवेरे सवेरे जाओ अपना नींद खराब करके मंदिर में हरि नाम सुना, तिलक लगाओ, कंठी लगाओ, अठारह अक्षत से सोना, असत संग अगर होगा तो ये तो बोलेगा ना, अरे क्या जरूरत इतने सवेरे सवेरे जाने का, है बेकार अपना समय को, हेल्थ को सही देखो, थोड़ा सो आराम करो, सवेरे सवेरे उठो, गोले बोले में तिलक लगा करके हर गड़े बढ़ने में जाओ और हाथ कर, अरे असत्संग करके तो यही बोलेगा ना, हाँ यही बोलेगा, लेकिन अगर सत्संग करके बोले नहीं बेटा, मंगल दर्शन से मंगल होता है, भगवान की प्रति भक्ति बढ़ेगी, एक दिन ठाकुर जी के पास में सारे जन्म मृत्यु का चक्कर से मुक्त होकर के भगवान के पास में जाओ, सत्संग क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना, इसको नष्ट मत किया कर, उसको भक्तों का संग में लगाओ भजन करो, इसलिए कहते असत संग में पहला नंबर क्या हो जाएगा, वो भोगी हो जाएगा, भगवान के भजन में उसकी रुचि नहीं रह जाएगी। दूसरा नंबर मतलब बंध मोचना आकांक्षी सिद्धि लोभी कपटता आश्रित, उसको तरह क्या होगा, है असत संग से, अरे बोले देखो ऐसे ऐसे काम करते तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि, अष्ट सिद्धि और नवनिधि एक है, हैं वो सिद्धि ऐसे है पानी के ऊपर में भी आप चलते हुए जा सकते, ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हो, बैठे कौन कहा क्या कर रहे सब चीज़ें देख सकते हो, इच्छा करोगे तो सौ रूप अलग अलग धारण कर सकते हो, जैसे सौभर ऋषि ने एक साथ में सौ रूप धारण करते हुए, पचास रूप धारण करते हुए मानता था कि पचास बेटियों की शादी की, यही से तुम सूर्य लोग तो उसका रश्मि को देख करके सूर्य लोग जाते सब सिद्धि का ही सब है, जैसे चाहोगे वैसे कर सकते हो, कहते अगर असत संग होगा तो तुमको भक्ति में रुचि नहीं होगा, भक्ति में रुचि नहीं होगा, फिर तुम्हारी यही यही चीज में रुचि हो जाएगी, फिर क्या करोगे, भक्ति को एक तरफ भी कर दोगे तो भैया सुकर्णी सरकारी को ऊपर हम चलेंगे, एक व्यक्ति ने 20 साल तक तपस्या की, उसने क्या सीख कर गया, पानी के ऊपर में चलना सीख कर गया, इसने बोला देखो एक साधु है ना वो पानी के ऊपर में चलते चलते जाता है, हाँ पानी के ऊपर चलते चलते जाता है, एक साधु ने कहा भैया 20 साल तक तपस्या करके हम तो दो पैसा देकर के पानी के ऊपर चले जाते, उसने दो पैसा देकर के नाव में बैठ करके पानी को पार कर, और उसने 20 साल ऐसे बर्बाद किया पानी के ऊपर चलने के लिए, है पानी के ऊपर चलने के लिए 20 साल बर्बाद कर दिया, हम जो दो पैसा दे करके पानी को पार हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं इस तरह अपने जीव को नहीं जानी चाहिए, आश्चर्य चीज ऐसे करेंगे सारा दुनिया मेरे को वाह वाह करेंगे, नहीं जो भक्त लोग है ना भक्त लोग हर समय छुप करके अपना भगवान के भजन साधन करना चाहते, वो छपवाना नहीं वो छुपाना चाहते, असत संग होगा तो जीव को मती ये सब उल्टा पुल्टा चीज में जीव को मती उल्टा पुल्टा चीज में चल जाएगी, और कपटता आश्रय नहीं करनी चाहिए, कपटता मतलब क्या है, मतलब हम बाहर एक दिखा रहे हैं लेकिन अंदर में और कुछ नहीं, ये कपटता बहुत गंदी चीज है, भजन करने के लिए कपटता को त्याग देना चाहिए, छल प्रपंच कपट हम कर रहे हैं कि एक दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन हमारा अंदर में और कोई चीज़ बैठा हुआ है, ये चीज़ से भगवान कहते हैं, भगवान रामचरित मानस में कहते हैं क्या शब्द है, मोहे नाही भावा छाल कपट मोहे नहीं भावा, निर्मल मोह निर्मल मन मोहे भावा, भगवान कहते हैं जिसका हृदय निर्मल है उनको अच्छा लगता है, छल कपट मोहे नहि भावा, जिसका अंदर छल कपट मेरे को अच्छा नहीं लगता, अपने हृदय को साफ सुथरा रखनी चाहिए, हम ऊपर में जो दिखा रहे हैं हमारे अंदर में भी वही चीज है, हम दिखाने के लिए भगवान को तो ठग नहीं सकते हैं, भगवान सब भगवान है, और कहते हैं अब्बय तो जोशित लंपट, इसका मतलब है अव्यय रूप में जोशित लंपट, मतलब है संसार करो
शादी करके अपना पत्नी को साथ नहीं अपना घर गृहस्थ बैठा, ऐसे नहीं शादी नहीं किए असत संग से अवैध रूप में स्त्री पुरुष का संग में पुरुष स्त्री को संग में अवैध रूप में संबंध रखते हैं पत्नी, ये भक्ति का ये प्रतिकूल चीज है, इससे पवित्रता इसमें पवित्रता नष्ट हो जाती है, इसको तरह बुद्धि भ्रमित बुद्धि भ्रमित हो जाती है, ये चीज नहीं करनी चाहिए। और मिच्छा भक्ति का प्राकृत सहज या बगैर परिपोषण कारी है प्रभात कह रहे हैं, मिच्छा भक्ति, मिच्छा भक्ति मतलब झूठा भक्ति का प्राकृत सहज या बगैर परिपोषण कारी, सहज या आप लोग तो इस तरह में हम नहीं जानते, बंगाल का तरफ में सब चीज होती है, सहजिया मतलब होता है जो भक्ति बड़ा दुर्लभ वस्तु है, भक्ति ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है, ये भक्ति आने से पहले ऐसे कुछ बंगाल में कुछ संप्रदाय है वो पहले ही सती का रूप धारण कर लेते हैं, कभी वृंदावन में एक कुछ संप्रदाय के लोग हैं सबको लड़का है बस उसको पीले कपड़ा दे दिए, पीले कपड़ा दे करके वो पुरुष है बस उसको पीला कपड़ा देते उसको पहन लो और गोपी जैसे बन जाओ, गोपी जैसे उसको बन जाओ, बैठ करके घूंघट उतार करके गोपी अपने आप में गोपी मानने लग जाओ, पीले कपड़े पहनने पर है गोपी जैसे सर पर ढकने पर वो गोपी नहीं बन जाते, उसके लिए साधन भजन की जरूरत है। शंकर जैसे व्यक्ति आप और हमारी बात छोड़ दो, शंकर जैसे व्यक्ति उन्होंने गोपी रूप धारण कर लिया है प्रभु की रास दर्शन करने के लिए, लेकिन गोपी वाले उसको पूजे से चोटी पकड़ के निकाल दी, चोटी पकड़ कर निकाल दी, उन्होंने गोपी रूप धारण कर लिया, कृष्ण वाले बोले तू कैसे आ गए, बोले प्रभु आपने बंसुरी बजाई ये बंसी ध्वनि कैलाश में भी जा करके कैलाश तक भी गई, मेरे मन में भी इच्छा हुई तेरे साथ नृत्य करना, बोले शंकर जी ऊपर में तो तुमने रूप धारण कर लिया लेकिन अभी तुम्हारी हृदय में ये इतने असली चीज नहीं, बड़ी साधन भजन की जरूरत है, इसलिए अपक्व अवस्था में बस गोपी रूप धारण करके भूगोल निकाल दिए, बोले हम तो गोपी हो गई, इतना आसानी है। शंकर जैसे व्यक्ति को भी चोटी पकड़ के निकाल दिए, उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनकी चरण में धूल बनना चाहते हैं, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति पत्थर बनना चाहते हैं, ये गोपी भाव प्राप्त करना इतने आसानी वस्तु नहीं, इसके लिए साधन भजन की जरूरत है। और वो जो स्थिति है वो जाकर के भावावस्था में स्थिति जाकर के थोड़ी सी आती है जीव के हृदय में, अभी तुम्हारी क्लास हुआ में एडमिशन नहीं हुआ, अभी तुमने पी एच डी का तुमने ग्रंथ लेकर बैठ गई तो कैसे होगा, कैसे होगा, इसलिए हमें इसलिए श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु उन्होंने पहले से वो साधन बताया, पहले बाच विगम मनस क्रोध विगम पहले सब भेद को दूर करो, पहले पानी का भेद दूर करो, काम करो लोभ को दूर करो है, मन का भेद को संभालो, फिर जाकर के गंदी चीज को छोड़ो, अभी सारे को सारे हृदय में भरा पड़ा हुआ और पहले से ही गोपी जैसे सर पर कपड़ा लगा करके बस अपने आप गोपी बन गए, गोप से गोपी बन गए, इसको कहते सर किया, इसको कहते सर किया मतलब वो जो दुर्लभ वस्तु को उसको अपना मनमानी में सहज बना देना, या तो उसको सहजिया कहते हैं, इसलिए कहते हैं इनकी संगत में त्याग देना पड़ जाता है, इसलिए सहजिया बादर परिपोषण कारी शुक्र वंश मर्यादाई करना करा पारमार्थिक मर्यादाई आग्रह विशिष्ट, ये सब चीज है ना जो बंगाल में बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे बंगाल में लोग है ये लोग क्या करते हैं कहते हम तो गोस्वामी वंश में हैं, हम तो सब गोस्वामी वंश में आए, उनको गोस्वामी वंश में जैसे नित्यानंद प्रभु को वंश में, हम तो अद्वैत आचार्य वंश में, हम गदाधर पंडित का वंश में, हम गोस्वामी परिवार के, कभी कभी कुछ लोग बंगाल में परिचय अपना ऐसे देता है, फिर नहीं कोई तुम्हारी वंश में आया था गोस्वामी है, कोई गोस्वामी तुम्हारी वंश में, कोई तुम्हारी वंश में पहले कोई साधु आया था तुम्हारी वंश में, लेकिन
अभी तुमने उनका ही नाम को लेकर के तुम आपके दोस्तान कर जैसे आपका पिताजी डॉक्टर थे, अगर बच्चा अगर डॉक्टरेट भी नहीं पड़ेगा तो डॉक्टर कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। तेरे पिता था इसलिए तुमने पिताजी इतना परिश्रम करके डॉक्टर किया, और तुमने स्कूल नहीं गया, कॉलेज ही नहीं गया, पढ़ाई नहीं किया, और तुम बोलोगे अगर छाती तो फिर गारे मेरे पिताजी डॉक्टर थे और पिताजी डॉक्टर थे, अगर तुम डॉक्टर नहीं पढ़ोगे तो डॉक्टर नहीं बोला जाएगा। इसलिए ऐसे कुछ बंगाल में कुछ लोग है जो अपने आप कहते हैं हम गोस्वामी हैं, हम गोस्वामी हैं, हमको गोस्वामी परिवार मिले। जब तक तुम को मतलब होता है इंद्रिया, स्वामी मतलब होता है जो इंद्रियों को अपना अधीन में, जब तक वो नहीं कर रखे हैं तो अभिमान से नहीं होता नहीं। परिकित प्रदत्त कलिर छलना पंचक के अधिवासी, जैसे परिकित महाराज ने कलि को चार जगह पर स्थान दिया, कहाँ पर जुआ नहीं खेलनी चाहिए, किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु नहीं मिलनी चाहिए, अवैध रूप से संग नहीं करनी चाहिए और जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, कहती है चीज को हमें त्याग देनी चाहिए। और वैष्णव जाति बुद्धिकारी नाम के बोल कहते, वैष्णव जाति बुद्धिकारी मतलब जैसे कोई व्यक्ति छोटे जाति से कोई भगवान वैष्णव जगत में आ गए, तिलक गमाला घट धारण करता है, अगर तुम बोलोगे अरे अरे ये छोटे जाति का था है, अब ये तिलक कट्टी वाला पहन करके अपने आप को साधु के करने ये नहीं करना है, अपना जात पात कुछ ना कोई हरि का भजा सो हरि हनुमान जी कौन से जाति हो, सबरी कौन से जाति हो, भोग चंडाल कौन से जाति हो, हनुमान जी कौन से जाति हो, कोपियां कौन से जाति हो, विभीषण कौन से जाति हो, छोटे जाति के कागभूषणी कौन से जाति के, गर्भ जी गृध है वो कौन सा जाति के, लेकिन जब भगवान की भक्ति में कोई आ जाते ही फिर उनको पहले हमको जाति के थे और तिलक करने वाला लेकर साधु हो गए थे, उनको फिर पहले पूर्वज जन्म की बात उसको याद नहीं करानी चाहिए है, नहीं करानी चाहिए। प्रभुपाद ने एक सुंदर कहानी सुनाई, एक समय लेखता पेचू, उसका कथा का नाम लेखता पेचू, लेखता पेचू मतलब है गांव में कोई बच्चा था, तो बचपन में देखना गांव में ना नंगे होकर घूमते हैं, पानी में चलाने लगते हैं, नाक बहता है, बचपन में सब गाँव में जो बच्चे खेलते रहते, लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे वो धीरे धीरे वो बच्चा एक दिन इतना पढ़ाई उसने की, इतने हो न हर बने उसने जाकर के जज बन गया, वो जज बन गया, उसी गांव में खबर आया वो जो लेखता पिछू, लेखता मतलब बचपन में जो नंगे होकर घूमता था है? और वो जिसका नाक बहता था जो जज बन गया, किसी ने गाँव में आकर के बोले बोले जानते हो जो लेखता पिछू जो नंगे होकर घूमता था और नाक बहता था और बचपन में खेलता कूदता था, अभी वो जज बन गया है। एक व्यक्ति ने कहा है हमारे सामने खेलता था नाक बहता था है? और लड़ता था झगड़ता, अभी बन गया जज बन गया, वो जज कोई पहले चक्र नहीं, हमने देखा है वो जज बन गया, तो उसने कहा अगर जज बन गया था उसको तनख्वाह नहीं मिलता, उसको तनख्वाह नहीं मिलता, तनख्वाह का तो सूट के सामने, इसलिए एक ना किसका परिवार की कहानी को जरा सिखा देते हैं, अगर कोई बचपन में कोई दूसरी जाति में थे लेकिन अगर वो सत्संग से सत्संग के प्रभाव से अगर भजन करते 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 अगर वो व्यक्ति अच्छा शुद्ध भक्त अगर बन सकता है, लेकिन कुछ लोग कहीं कहा अमुक जाति में था बचपन में नंगे घूमता था अभी साधु हो गया है, साधु होकर तिलक लगा करके अभी हरी कथा बोलता है, प्रवचन देता है, सारा दुनिया उसकी कथा सुनते है, नहीं अगर कोई भगवान की भक्ति में आ गया ना तभी वो भक्ति का एक स्वभाव है, वो एकदम निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति को भी ऊंचा बना देता है, भक्ति के इतने महत्व है, इतने
इसलिए भक्ति की महत्व है, इसलिए भक्ति सर्वोच्च पद में देखो, अगर तुम भजन करोगे, कथा करोगे, भगवान की बात सुनाओगे, देखना सारा दुनिया तुम्हारी पूजा करना शुरू कर देगी, सारा दुनिया तुम्हारी पूजा करना शुरू कर देगी। इसलिए कहते वैष्णव कभी जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए, अरे आपको जाति का साधु हो गया जाति नाम मंत्र विग्रह भागवत जीवी असुर का प्रति द्वारा धन्य संग्रह तत्पर। यहाँ पर कह रहे हैं कहते जैसे भगवान के नाम है, मंत्र है, जैसे भगवान की विग्रह है, नाम मंत्र भगवान के विग्रह, कहते इसको द्वारा पैसा रोजगार नहीं करनी चाहिए, मतलब भगवान की भक्ति को पैसा रोजगार का वृद्धि नहीं बनानी चाहिए, व्यापार नहीं करनी चाहिए। फिर उसमें क्या होता है, तुमको वही पैसा थोड़ी सा मिल जाएगा लेकिन भगवान तुम्हें भक्ति प्रदान नहीं करेंगे, भक्ति से वंचित कर देंगे, कोई जड़ वस्तु दे करके जाओ तुम इसी में ही रहो, लेकिन तुमको भगवान की भक्ति प्रदान तुम्हें नहीं करेंगे। इसलिए कहते तो भक्ति को कभी भी अपना बिजनेस रूप में नहीं ग्रहण करनी चाहिए, बिजनेस रूप में ग्रहण नहीं करनी चाहिए। फिर उसमें क्या क्या होगा, प्रभु इसलिए जब प्रहलाद महाराज को भगवान बोले बेटा हमसे कुछ करना हो, उन्होंने क्या बोले, बोले प्रभु इसकी चक्कर में मेरे को मत डालो, इसकी चक्कर में मत डालो, आपका भक्ति इसलिए नहीं किया कुछ मांगने के लिए किया। इसलिए महाप्रभु कहते न धनम न जनम न सुंदर कविता व जगदीश जन पुत्र परिवार में कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर के तुम्हारे चरण केवल हमें अहित की भक्ति प्रदान करो, हमें किसी चीज को नहीं चाहिए, न नाक प्रेष्टम न चपार प्रेष्टम न सार्वभौम न रसादि। प्रभु भगवान कह रहे मित्रा श्री को स्वर्ग ले लो, बोले ना 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 हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, न नाक प्रेष्ट बोले न चपार प्रेष्टम, फिर उससे बड़ा पद ले लो, ब्रह्मा का पद ले लो, सात लोगों पर ब्रह्मा जो रहते हैं दुनिया को सृष्टि में, ना ना बोले ब्रह्मा पद नहीं चाहिए, बोले नहीं, बोले फिर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य ले लो, बोले नहीं नहीं नहीं, बोले अगर उसको नहीं नहीं चाहते हो पारकष्ट रसाद ही पद, उसको जो रसा रसा वाले का जो पद है वो ऊपर लोग से भी ज्यादा ईश्वर दिया, बोले उसको ले लो, बोले नहीं, बोले उससे बड़ा पद ले लो, बोले कि ना युग सिद्धि रखो, योग सिद्धि ले लो, जैसी इच्छा करो तो वैसे बन लो, बैठ बैठ कर सब चीज़ को देख सकते हो, हजार शरीर बना सकते हो, रसगुल्ला खाने की इच्छा हो सामने आ जाएगी, स्वर्ग जाने की इच्छा होगा तो हो जाओगे, हैं मतलब कुछ बड़ा ताकत है, मतलब सिद्धि बड़ी ताकत है, अष्ट सिद्धि नवनिधि है, बोले बोले नहीं नहीं नहीं, बोले उससे सबसे बड़ी चीज दे देता, बोले क्या तो मुक्ति पद, बोले बांस न रहेगा बांस न बजेगा, पूरा जन्म मृत्यु का चक्कर, बोले नहीं नहीं बोले हम नहीं चाहते, बोले चाहते हो क्या, बोले तो एक चीज चाहिए, बोले क्या है, बोले प्रभु दिन रात तुम्हारी विरह में, जैसे ब्रजवासी दिन रात तुम्हारी विरह में डूबे रहते थे, तुम्हारे चिंतन करते करते उसमें अपना मन को डुबा दिया करते थे, तुम्हारी भक्ति भाव से केवल तुम्हारे चरण में शुद्ध भक्ति और तुम्हारे चिंतन को द्वारा जैसे मेरे मन तुम्हारे चरण में लगा रहे, केवल इतना ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जब कभी कभी हम प्रभु की भक्ति करने के लिए जाते हैं ना, ये सब चीज आकर के भक्ति से तुम्हें वंचित कर देता है, कि दुनियादारी चीज इन लोगों को दिखा करके तुमको भक्ति से वंचित कर देगा, लेकिन जो केवल जीवन में शुद्ध भक्ति चाहता है तब ये चीज को खटक करो, इस चीज को काटो, नहीं तो क्या होगा, फिर नहीं तो इसी में फंस जाओगे, फिर तुमको जो शुद्ध भक्ति है ना भगवान की, ये शुद्ध भक्ति में नहीं मिलेगी। हिताई गौर परमानंद हरि हरि कृष्ण देव भगवंतं वंदे, कृष्ण देव भगवंतं वंदे, मन मान सब कर अर्पय पाद पंकज Thank you.
Thank you.